हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, मेरा लास्ट वीडियो में मैंने इस फ्लावर्स को दिखाए थे, ट्यूबरोज फ्लावर्स को। ये मल्टी पेटल में है, तो इसे मेरे फ्रेंड्स बहुत पसंद किए थे और पूछ रहे थे इसके बारे में। तो सोचा चलो मैं सबको इसको बता देती हूँ। और ये मल्टी पेटल में जो है, जो देखने को छोटी सी एक रोज़ की तरह ये दिखता है। ये देखिए, सिंगल पेटल में ज़्यादा आता है। ये मल्टी पेटल में मेरे पास कई दिनों से है, मैंने एक बल्ब ला कर लगाई थी। तो इस तरह से इसका फ्लावर निकल रहा है फिलहाल। देखिए, ये भी फ्लावर बन रहे थे, यहाँ से टूट गया है। ये मेरा ये फ्लावर बनकर ख़त्म हो चुका है। और ये इतनी अच्छी खुशबू इसकी फैलती रहती है। अभी मैं यहाँ पर ठहरी हूँ तो इतनी अच्छी खुशबू मुझे आ रही है कि मन भर रहा है, बहुत ही अच्छी। और इसे लगाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इसको देखिए, इस तरह से मैंने एक बल्ब लगाया तो इसके साइड से बहुत सारे ऐसे निकलते हैं और बीच में से एक फ्लावर स्टिक निकलती है और इस स्टिक में बहुत सारे फ्लावर जो है बने रहते हैं। एक के बाद एक ऐसे ही चलता रहता है और ये साल भर निकलते रहते हैं। इसका कोई सीज़न, पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता है। ये हमें साल भर फ्लावर देता है। सिर्फ हमें जो फ्लावर ख़त्म होता है तो इसको यहाँ से तोड़कर निकाल देनी है, क्योंकि जो साइड से जो बल्ब्स हैं आगे बढ़े और बहुत सारे ऐसे ही डंडियाँ निकलती रहे। और इसे कौन से भी मिट्टी में ये चल जाते हैं, ऐसे कोई ख़ास खेत की ज़रूरत नहीं है, ख़ास मिट्टी की भी इसे ज़रूरत नहीं है। और मैंने इसे एक ही पॉट में लगाए हुए हैं, 4-5 साल तो हो गए सिंगल पेटल के। डबल पेटल को मैंने लास्ट ईयर लगाए हैं और बहुत कम है मेरे पास जो पूरे फ्लावर खिले हुए, बहुत कम ऐसा था फ्लावर पूरा खिला हुआ। तो देखिए, इसको पेस्ट भी बहुत कम लगता है। और पेस्ट लगता है तो मैं ऊपर से जो पत्तियां हैं उसे तोड़ देती हूँ, इस तरह निकाल देती हूँ। तो ये सब पेस्ट ख़त्म होने के बाद ये नेक्स्ट से हम बहुत सारे ऐसे ही बर्ड्स बनने लगते हैं, तो वहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं और फ्लावर्स भी बनते हैं। और इस तरह से जो है मैं इसको देखभाल कर रही हूँ। और इसे कोई मिट्टी की स्पेशल मैंने कुछ लिया नहीं है, फर्टिलाइज़र वगैरह मैं ज़्यादा डालती रहती नहीं हूँ, बहुत कम फर्टिलाइज़र में भी ये चल जाता है। और कई सालों से तो मैंने इसको रिपोर्टिंग भी नहीं किए हैं, ऐसे ही ये चल रहा है। तो यही एक खासियत है इसकी, कम केयर में आपको साल भर फ्लावर देने के लिए। तो इसके लिए ज़्यादातर आप अपनी गार्डन में लगा सकते हैं। और देखिए, ये पूरा फ्लावर खिला हुआ मैं भी बहुत कम देखती थी। मैं भी यही सोचती थी ये फुल क्यों नहीं खिल रहा है, तो इस बार मुझे फुल खिला है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसको सेमी शेड में रखा है। तब तक मैंने फुल सनलाइट में इसे रखती थी तो ये कभी पूरा नहीं खिलता था, थोड़ा ही खिलता था और सूखने लगता था। मैं जान नहीं पाई कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और इस बार मैंने इसको शेड में रख के देखा है। सिंगल पेटल में तो खिलते हैं लेकिन डबल पेटल में नहीं खिलते थे। ये सिंगल पेटल वाला देखिए, ये 4 साल से मुझे एक ही पॉट में लगा हुआ है। और देखिए, इसको भी पत्तियाँ मैंने ऊपर से तोड़ देती थी और नए पत्तियों के साथ इस तरह कहीं बर्ड्स बने हुए इसके साथ। एक ख़त्म होते ही दूसरा निकलता ही रहता है इसका, और ये एक ही कलर में आता है। और देखिए, एक अगर ये ख़त्म हो गया है मेरा फ्लावरिंग तो दूसरा रेडी रहता है, ये वाला खिलने लगता है। उसके बाद ये नीचे वाला और एक मेरा बर्ड निकला हुआ है, चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए, ये फ्लावर खिलकर ख़त्म होने पर ये मेरा तीसरा छोटा वाला जो है वो निकलते रहता है। वो ख़त्म होने से यहाँ से और डंडियाँ मेरी निकलती रहती हैं। और इसे सनलाइट, मुझे नहीं लगता कि इसे फुल सनलाइट देने की ज़रूरत है, वैसे कम सनलाइट में भी ये चलता रहता है। और इसे थोड़ी सी मॉइस्ट पसंद है फ्रेंड्स। अगर पानी हमें पानी नहीं देंगे तभी ये चलेगा। अगर आपके पास पानी की कमी है समर में वगैरह, तो आप बल्ब ऐसे ही रहने दें,
तो ये बरसात में अपने आप ही निकलते रहते हैं। बल्ब भी ज़्यादा सड़ने वगैरह का कोई भी डर नहीं रहता है। आप एक बार इसे अपने गार्डन में लगा देंगे तो बिना केयर के ऊपर के जितने भी पत्तियाँ हैं वो सूख जाएँ, पूरे महीनों तक पानी ना दें, फिर भी ये बल्ब आपके यहाँ रहते ही है। तो इस तरह आप भी अपने गार्डन में जो है इसे ऐड कर रखिएगा। और ये कैसा लगा फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।